सो ये 9 इंच का है बेसिकली। इसमें सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे, 9 इंच, 10 इंच और शायद 7 इंच भी आता है। एक बार आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि 7 इंच आता है कि नहीं। वेलकम बैक दोस्तों कार म्यूजिक में, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइस आज का वीडियो है एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि आपके स्टीरियो को सिक्योर करेगा, स्क्रीन को थोड़ा सा स्मूथ बनाएगा। और गाइस ये काफी सस्ता प्रोडक्ट है, तो आपको आई थिंक 10,000 रुपए का एंड्रॉइड लेने के बाद ये भी अपने एंड्रॉइड स्टीरियो के प्रोटेक्शन के लिए लगवाना चाहिए। मीन्स ये है स्क्रीन गार्ड और इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 200-300 रुपए में लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड में जाएंगे तो हो सकता है 500 का भी मिले, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो मैं आज अपने स्टीरियो पे लगाने वाला हूं, जिससे कि हमारा जो स्टीरियो है वो थोड़ा लॉन्ग लाइफ चले, स्क्रैचेस वगैरह ना हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस पर्टिकुलर गार्ड से बच जाती हैं, जैसे कि डस्ट चला जाता है स्क्रीन के अंदर वो भी बच जाएगा, और जो टच रिस्पॉन्स है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे कि इसको लगाना वर्थ है कि नहीं। वैसे मेरे पास तो ये भाई फ्री में आया है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल मार्केट से ले लो, क्योंकि ये कोरियर वोरियर के चक्कर में बहुत महंगा हो जाता है। तो लोकल मार्केट में आप जाएंगे, इसको मोबाइल पे जैसे लगाते हैं ना टेम्पलेट, वैसे ही इसको लगा सकते हैं। सो गाइज आज का वीडियो रहने वाला है स्क्रीन गार्ड पे, जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। फाइबर में भी आता है, ग्लास में भी आता है, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा फाइबर वाला, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका जो स्क्रीन है वो सेफ हो जाता है। अगर हम बात करें ग्लास की तो मेरे हिसाब से अभी तक मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसको लगाते हैं अपने स्टूडियो पे और देखते हैं क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स है। तो भाई अपनी ये छोटी सी कार है जिसका नाम है क्विड, और इसके अंदर आज हम पहली बार एंड्रॉयड के ऊपर गार्ड लगाने वाले हैं, जिसको स्क्रीन गार्ड बोलते हैं। और ये फाइबर में मुझे लग रहा है, नो डाउट ये फाइबर का ही होगा। और यहाँ पे एक क्लोथ दिया जा रहा है जिससे कि हम स्क्रीन को साफ कर लें। अच्छे से क्लीन करने के बाद ही इसको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट रह गई तो फिर वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एयर फिल करने का काम कर देगी, मींस जो बबल्स रहते हैं वो आपके गार्ड पे आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन को बहुत ही अच्छे ढंग से साफ करना है, जो कि आपको हर एक टच गार्ड के साथ ये कपड़ा जो मिलता है इससे, देखिए मैं अभी चमका दे रहा हूं, वैसे हल्का सा डस्ट मेरी स्क्रीन में गया हुआ है, ये जो आपको रीसेट और माइक का जो होल दिखता है यहां से, लेकिन आज इसको मैं सिक्योर करने वाला हूं और एक नया फील भी लेने वाला हूं। टच की बात करें तो यार टच भी इंप्रूव होना चाहिए, देखते हैं इफेक्ट पड़ेगा या डिफेक्ट पड़ेगा, जो भी होगा। अभी हम देखते हैं इसको लगाने की जुगाड़, कुछ इस तरीके से इसको निकालते हैं और ये देखिए अब इस तरीके से हमें लगाना है ना, तो यहां पे ये देखिए यहां पे जो माइक का है मैं वहां से मैच करता हूं इसको, और एक बार अगर फिक्स नहीं हुआ भाई तो ये खराब भी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको ना किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाना, ये देखो अपने आप फिट हो रहा है भाई। और हमने ये यहाँ से निकाला, ये बीच में कर दी उंगली और ये हो गया आपका स्क्रीन गार्ड फिट एक बार में। मीन्स कुछ भी करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, कहीं से भी बबल्स एयर वेयर कुछ नहीं, कंप्लीट जो है ये फिट हो गया है, कहीं से मुझे नहीं लगता इसमें एयर है। तो अब इसको रफली भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कुछ क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, वीडियो में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अभी ये देखिए रेनॉल्ट का लोगो, और इसके बाद अभी स्टीरियो स्टार्ट होगा, आफ्टर दैट हम देखेंगे टच का रिस्पॉन्स और वीडियो क्वालिटी। अभी इसमें से ऊपर का जो रैप होता है वो भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये ब्लू है ना, इसको आप आराम से, क्वालिटी नो डाउट टच वगैरह की भी काफी अच्छी है। आप देखेंगे जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा मिल रहा है, इस तरीके से जो स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से मैंने अपने एंड्रॉइड पे ये गार्ड लगा दिया है, जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी सी इनहेंस हो जाएगी, मीन्स ये जो स्क्रैच वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे। और अगर आपको लगाना है अपनी कार में तो आप लोकल किसी भी बेंडर के पास जाइए, कार एक्सेसरी शॉप पे 110% मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता मैक्स 500 रुपए। बाकी अगर बात करें हमारे इस गार्ड की तो मुझे तो भाई फ्री में मिल गया था, मैंने पहले ही बताया। बाकी अगर आपको किसी भी कार एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है तो कार म्यूजिक अप की प्लेलिस्ट देख लेना, क्योंकि यहां पे इंडिया की टॉप 10 ब्रांड्स आ चुकी हैं अपने वीडियो कैटलॉग लेके, जहां पे अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करके कंपनी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जो कंपनी आपको पसंद है ले लीजिए, मेरी कोई एक वो नहीं है कि आप इसी कंपनी से लो, क्योंकि भाई ये इंपोर्टेड आइटम है, तो आपको बस फीचर्स देखने चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए और बजट भी, और अकॉर्डिंग टू बजट ही इंडिया में प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो आपको वो सब देख के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। बाकी कार म्यूजिक आपको सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
लाइक आइकन को प्रेस कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे भाई तो इसको शेयर भी कर दो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहां मिलेगा सब।